मैं संघ हूं। आज मैंने 96 वर्ष का सफर तय कर लिया है और 97 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूं। वर्ष 2025 को मैं 100 वर्ष का हो जाऊंगा। वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी ने मुझे संघ रूपी जिस बीज के रूप में रोपा था, तब किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मैं एक वट वृक्ष बन जाऊंगा। आज इस वट वृक्ष की कई शाखाएं राष्ट्र निर्माण कार्य में लगी हुई हैं। संघ के प्रथम सरसंघ चालक हेडगेवार जी ने अपने घर पर 17 लोगों के साथ गोष्ठी में मेरे गठन की योजना बनाई थी। इस बैठक में हेडगेवार जी के साथ विश्वनाथ केलकर, भावजी कावरे, अण्णा साहने, बालाजी होद्दार, बापूराव भेदी आदि लोग मौजूद थे। मेरा क्या नाम होगा, क्या कार्य होंगे, सब कुछ समय के साथ धीरे धीरे तय होता गया। उस वक्त हिंदुओं को सिर्फ संगठित करने का विचार था, यहां तक कि संघ का नामकरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी 17 अप्रैल 1926 को तय हुआ। इसी दिन हेडगेवार जी को सर्वसम्मति से संघ प्रमुख चुना गया, लेकिन सरसंघ चालक वे नवंबर 1929 में बनाए गए। मेरे नाम के अस्तित्व में आने से पहले 3 नामों पर विचार मंथन हुआ, जो थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल, जिसके लिए बाकायदा वोटिंग भी हुई। नाम विचार के लिए बैठक में मौजूद 26 सदस्यों में से 20 सदस्यों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपना मत दिया, जिसके बाद मैं यानी आरएसएस अस्तित्व में आया। पिछले कई दशकों से लगातार देश के कोने कोने में संघ की शाखाएं लग रही हैं। हेडगेवार जी ने व्यायाम शालाएं और अखाड़ों के माध्यम से संघ कार्य को आगे बढ़ाया था। स्वस्थ और अनुशासित स्वयं सेवक होना उनकी कल्पना में था। 96 वर्ष के सफर में आज मेरे 80 से ज्यादा समविचारी और अनुषांगिक संगठन हैं। दुनिया के करीब 40 देशों में मैं सक्रिय हूं। पर मेरा यह सफर इतना भी आसान नहीं था। कई ऐसे मौके आए जब मुझ पर आरोप प्रत्यारोप भी लगे और यहां तक प्रतिबंध भी लगा दिया गया। इस दौरान स्वयं सेवकों के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, लेकिन हम स्पष्ट थे क्योंकि हमारा लक्ष्य स्पष्ट था। हम सम और विषम परिस्थितियों में एक समान बढ़ते रहे क्योंकि लक्ष्य बड़ा था। संघ के विरुद्ध दुष्प्रचार के बावजूद समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो संघ के समर्पण को देख रहा था और समझ भी रहा था। यही कारण था कि जिस परिवार को संघ के स्वयं सेवकों की मदद किसी न किसी रूप में मिली, वह सदैव के लिए संघ का हो गया। मैं तो अपने कार्य पथ पर अपने स्थापना के साथ ही निरंतर चलता रहा। आजादी मिली, लेकिन विभाजन की विभीषिका के रूप में दर्द भी मिला। रास्ते कठिन थे, मगर मैं रुका नहीं। अपने राष्ट्र और सनातन सुरक्षा के लिए मैंने तब भी 3000 कैंप्स लगाए और अपने बंधु भगिनियों के साथ चला। वर्ष 1962 में जब चीन ने धोखे से देश पर हमला कर दिया, तब मेरे परिवार के स्वयं सेवकों ने बखूबी अपना राज्य धर्म निभाया और जान पर खेलकर सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में सेना की मदद की। इससे प्रभावित होकर तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को आमंत्रित किया। स्वयं सेवकों ने उस गणतंत्र दिवस की परेड में पूर्ण गणवेश के साथ भाग लिया और अपनी सादगी सात्विकता से सबको अवगत कराया था। इसके बाद वर्ष 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी स्वयं सेवकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तमाम विरोध और सभी कठिनाइयों के साथ संघ अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहा। आपदा हो या युद्ध, मेरा संकल्प भारत समर्पित। कभी 25 स्वयं सेवकों से शुरू हुआ संघ आज विशाल संगठन के रूप में स्थापित है। बिना स्वार्थ तन मन धन से दिन रात राष्ट्र सेवा मानव सेवा में स्वयं सेवक जुटे हुए हैं।